18 साल होने के बाद पहली फुर्सत मिलते ही हमारे देश के युवा पहला काम जो करते हैं वो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, उसके बाद बिना डर के रोड पर बाइक का आनंद लेना। भारत में टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स इत्यादि को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस तय करते हैं कि कोई व्यक्ति किस वाहन को चला सकता है और कब तक चला सकता है। मगर कभी ना कभी हमारे दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आता है कि क्या हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल सिर्फ भारत में गाड़ी चलाने के लिए कर सकते हैं या कोई और देश में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और अगर ये ख्याल नहीं भी आता हो, फिर भी आज मैं आपको यही बताऊंगा कि हमारे देश यानी भारत का ड्राइविंग लाइसेंस किस किस देश में वैलिड है या कहे तो काम करता है। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा परिचय। नमस्ते, मेरा नाम है कृष्णा और आप देखना शुरू कर चुके हैं diladdu.com। तो पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत की तरह ही सड़कों के बाईं ओर ड्राइविंग की जाती है। अगर आपके पास एक वैलिड भारतीय लाइसेंस है जो कि अंग्रेजी में है, तो आप 3 महीने तक क्रिसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र और ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में गाड़ी चला सकते हैं। हालांकि यहाँ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पर है अमेरिका। भारत में गाड़ी को रोड के बाईं ओर चलाया जाता है, जबकि अमेरिका में रोड के दाईं ओर गाड़ी चलाई जाती है। यदि किसी भारतीय के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और वह अंग्रेजी भाषा में है, तो आप अमेरिका में पूरे साल कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अंग्रेजी में नहीं है, तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के साथ साथ फॉर्म I-94 की कॉपी भी अपने साथ रखनी होगी। फॉर्म I-94 में आपके अमेरिका आने की तारीख लिखी होती है। तीसरे नंबर पर है फ्रांस। फ्रांस में भी अमेरिका की तरह ही रोड के दाईं तरफ गाड़ी चलाई जाती है। यहाँ की सड़कों पर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से 1 साल तक ड्राइविंग का मज़ा ले सकते हैं। हालांकि आपको लाइसेंस की फ्रेंच कॉपी अपने साथ रखनी होगी। चौथे नंबर पर है जर्मनी। जर्मनी में भी सड़क के दाईं साइड गाड़ी चलाई जाती है। इस देश में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से 6 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको अपने साथ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेटेड कॉपी रखनी ज़रूरी है। आप चाहे तो इसे दूतावास से भी ट्रांसलेट करा सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास गाड़ी से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स भी होने ज़रूरी हैं। पांचवें नंबर पर है मॉरीशस। अगर आपके पास भारत का ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश भाषा में है और साथ में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी है, तो आप इस छोटे से देश को एक दिन में ही पूरा घूम सकते हैं। यहाँ पर भारत के जैसे ही सड़कों के बाईं ओर ड्राइविंग की जाती है। छठे नंबर पर है नॉर्वे। मिडनाइट सन की भूमि कहे जाने वाली इस देश में गाड़ियाँ सड़क की दाईं तरफ चलाई जाती हैं। यहाँ आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से सिर्फ 3 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं। इसके साथ ही लाइसेंस का अंग्रेजी में होना भी ज़रूरी है।
सातवें नंबर पर है न्यूजीलैंड। भारतीय ड्राइवर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर न्यूजीलैंड में केवल तब तक ही ड्राइविंग कर सकते हैं जब वे 21 वर्ष या उसके ऊपर हो। यहाँ पर सड़क के बाई तरफ गाड़ी चलाई जाती है। लाइसेंस का अंग्रेजी में होना ज़रूरी है या फिर न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी से ट्रांसलेट कराया जाना चाहिए। आठवें नंबर पर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गाड़ी चलाना किसी का भी सपना हो सकता है। स्विट्जरलैंड में गाड़ी सड़क के दाई ओर चलाई जाती है। यहाँ पर भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से एक साल तक गाड़ी चला सकते हैं। हालांकि अमेरिका और साउथ अफ्रीका की तरह यहाँ पर भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस का अंग्रेजी में होना ज़रूरी है। नौवें नंबर पर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गाड़ी सड़क के बाईं ओर चलाई जाती है। साउथ अफ्रीका में गाड़ी चलाने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस अंग्रेजी में होना ज़रूरी है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की वाहन कंपनियाँ गाड़ी किराए पर देते समय इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी मांगती है जी। तो ये थे वो देश जहां आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं। बाकी आपको हमारा ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि हम ऐसे ही रोचक जानकारियाँ लेकर आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। धन्यवाद।